हेलो फ्रेंड, शशि शुक्ला डॉट कॉम किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको आलू पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाना बताने जा रही हूँ। थोड़ी सी अलग तरीके से मैं ये सब्ज़ी बनाऊँगी। तो ये देखिए, मैंने ये पत्ता गोभी काट लिया है, इसको अच्छे से धो के मैंने काट लिया है। सबसे पहले कुकर में हम पत्ता गोभी डाल देंगे और उसके ऊपर हम आलू डाल देंगे। ये मैंने आधा किलो पत्ता गोभी ली थी और मैंने ये 5 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे। आलू के मैंने 4 टुकड़े बस किए हैं। अगर बड़ा साइज़ का आलू है तो आप 8 टुकड़े कर सकते हैं, मीडियम साइज़ का आलू है तो 4 टुकड़े करिए। और इसको हम कुकर में रख देंगे और इसमें हम आधा ग्लास पानी डालेंगे, आधा ग्लास से कम डालेंगे बस, जितने में ये एक सीटी हमें लगानी है, जितने में ये उबल जाए। तो मैंने आधा से भी कम पानी डाला है, आधा ग्लास से भी कम, लगभग 100 ml मैंने पानी डाला है। इसको हम एक सीटी सिर्फ आने देंगे, उबलने के लिए चढ़ा देते हैं, फिर मैं आपको बताऊँगी क्या करना है। फ्रेंड, जब तक हमारा पत्ता गोभी आलू उबल रहा है, बाकी चीज़ें हम काट लेते हैं। ये टमाटर हम बारीक काट लेंगे या चॉप कर लेंगे, पीसना नहीं हमें, या तो बारीक काटना है या तो चॉप कर लेना है चॉपर में। और ये देखिए, अदरक, हरी मिर्च और लहसुन का हमें ये कूट लेना है, कूटनी में डाल के कूट लेना है मोटा मोटा। ये मैंने देखिए 8 से 10 कलियाँ लहसुन के ली हैं, 4 हरी मिर्च ली हैं और ये एक टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है, ये इतना मैं कूट लूँगी। और 2 प्याज है, ये भी बारीक काट लूँगी। जब तक उबल रहा है मैं ये तैयारी कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, कुकर में हमारी पत्ता गोभी उबल गई है। अब हम गैस पर कढ़ाई चढ़ा देंगे और इसमें हमने तेल डाल दिया है। 1 चम्मच हम तेल डालेंगे और 1 चम्मच हम देसी घी डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने सरसों का 1 चम्मच तेल डाल दिया है और 1 ही चम्मच मैंने देसी घी डाल दी है। दोनों को गरम होने देते हैं। ये देखिए फ्रेंड, तेल गरम हो गया, इसमें मैंने आधा छोटा चम्मच घी डाल दिया है, जीरा डाल दिया है, आधा छोटा चम्मच मैंने इसमें हींग डाल दिया है। ये देखिए, 2 टुकड़े मैंने लाल मिर्च के और 2 टुकड़ा तेज पत्ता का डाल दिया है। इसको थोड़ा सा हम भुनने देते हैं। फिर हम इसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का ये जो हमने कूटा था, मोटा मोटा हमने इसको कूटा था, वो डाल देंगे और इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, अदरक लहसुन भुनने के बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे जो हमने बारीक काटी थी। इसको हम गोल्डन ब्राउन होने देंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमारी प्याज भुन गई है। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। आप चाहें तो इस सब्ज़ी में मटर भी डाल सकते हैं, हरी मटर, वो भी अच्छी लगती है। मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे नहीं खाते मटर, लेकिन मटर भी बहुत टेस्टी लगती है सब्ज़ी में। तो ये देखिए, मैंने इसमें टमाटर डाल दिया है। इसमें हम मसाले भी डाल देंगे, आधा छोटा चम्मच हल्दी, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, कश्मीरी मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच, धनिया पाउडर डाल देंगे 1 छोटा चम्मच और जीरा पाउडर, ये कच्चा जीरा पाउडर है, भुना जीरा नहीं है, आधा छोटा चम्मच हम कच्चा जीरा पाउडर डाल देंगे। थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि हमारे मसाले अच्छे से भून जाए। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और हमें मसाले को अच्छी तरह भून लेना है। 1 चम्मच हमने इसमें कसूरी मेथी डाल दिया है, इसको भी हम इसी मसाले के साथ भूनेंगे। और मसाले को हमें बिल्कुल स्लो फ्लेम करके भूनना है, हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं भूनना है। आधा छोटा चम्मच हम इसमें किचन किंग मसाला डाल देंगे। किचन किंग मसाला हम बिल्कुल मसाला भूनने के बाद ही डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमारी आलू और पत्ता गोभी अच्छे से बॉयल हो गई है। मैंने सिर्फ 1 सीटी लगाई थी और पानी मैंने बहुत थोड़ा डाला था। पत्ता गोभी अपने मॉइस्चर में ही अच्छे से इसको पका दिया है पत्ता गोभी ने। तो अब हम इस मसाले में ये पत्ता गोभी और आलू डाल देंगे और इसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है मसाले के साथ। उबालते समय जो पानी इसमें निकला है कुकर में, उसको हम फेंकेंगे नहीं, साथ के साथ इसी में डाल देंगे और इसको हम बिल्कुल स्लो फ्लेम पे भुनने देंगे सब्ज़ी को मसाले के साथ। और अब हम इसमें कोई पानी वगैरह नहीं डालेंगे, ऐसे ही हम इसको भुनने देंगे। फ्रेंड, जब तक ये सब्ज़ी में पानी पूरी तरीके से सूख ना जाए, तब तक हमें इसको चलाते हुए भुनना है और स्लो फ्लेम पे। ये देखिए, अभी पानी है इसमें, इसको पूरा मॉइस्चर में सुखाना है और इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे आलू टूटे नहीं, केयरफुली हमें इसको चलाना है। फ्रेंड, हमारी सब्ज़ी तैयार है पत्ता गोभी की। अब हम इसको लास्ट में थोड़ा सा धनिया डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। चलिए, मैं अब आपको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, हमारी पत्ता गोभी की सब्ज़ी तैयार है और बहुत ही सिंपल है, बहुत ही टेस्टी है। फ्रेंड, आपको, मुझे पता है आप लोगों में से बहुत से लोगों को आती होगी, पर बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो घर से बाहर रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, उनको बिल्कुल खाना बनाना नहीं आता है। अगर उनको थोड़ा सा इससे
सपोर्ट मिल जाएगा, उनको पता चल जाएगा कि हमें क्या चीज़ कैसे बनानी है, तो वो घर के खाने को मिस नहीं करेंगे और बाहर का खाना नहीं खाएंगे और खुद से बनाएंगे, खुद से कोशिश करेंगे। इसलिए मैंने सिंपल सी ये रेसिपी डाली है। तो फ्रेंड, आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।